नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक सिंह और आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके पशु के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, जो बहुत ज्यादा सस्ती है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके पशु में भी हांफने की समस्या है, जो बहुत ज्यादा हांफते हैं, या आपके पशु बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, या आपके पशु चारा पानी सही से नहीं खा रहे हैं, या उन्होंने गर्मियों में अचानक से दूध कम कर दिया, इन सभी समस्याओं का इलाज है मात्र 5 रुपए में। इसलिए बने रहे वीडियो में अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खिलाने से इतने सारे फायदे हैं और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो देखिए वीडियो को अंत तक। अब हम बात करते हैं नमक के फायदे के बारे में। तो राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र छगाणी ने पशुपालकों से आह्वान किया है कि वह अपने पशुपालकों को नियमित रूप से एक मुट्ठी नमक अवश्य दें, क्योंकि नमक पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपका पशु जितना दूध देता है, नमक खिलाने नियमित रूप से उसको उतना नमक दिया जाएगा तो उसका पशु का दूध उतना ही बना रहेगा। साथ ही आपका पशु बीमार ना हो, उसमें अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके आहार में नमक को नियमित रूप से देना बहुत ही ज़्यादा नितांत आवश्यक है। अगर आपके पशु हांफते बहुत हैं तो उनको नियमित रूप से हमेशा किसी भी मौसम में आप नमक दे सकते हैं, और नमक हमेशा देते ही रहना चाहिए। कैसा भी पशु हो, बड़ा हो छोटा हो, हमेशा सबको नियमित रूप से नमक देना चाहिए, क्योंकि नमक पशुओं के पाचन तंत्र को बहुत ही अनुकूल बना देता है और पाचन क्रिया को ठीक करने में भी नमक बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप पशु को नियमित रूप से नमक देते हैं तो उसके पानी पीने की क्षमता बढ़ जाएगी, और आप अगर जो आहार देते हैं उसमें अगर नमक मिलाएंगे तो उसको खाने की रुचि भी बढ़ जाएगी। इसके साथ नमक पशुओं में सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम की कमी को भी दूर कर देता है। अब बात करते हैं इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो 25 से 50 ग्राम एक पशु को नियमित रूप से डेली नमक देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक अपने पशुओं को नमक नहीं देते थे तो आप नमक देना स्टार्ट कीजिए, और जरूरी नहीं है कि किसी अच्छी कंपनी का ही दिया जाए। 100 रुपए में 25 किलो नमक आता है, वो भी दे सकते हैं, कोई सी भी कंपनी का दे सकते हैं, परंतु नमक डेली देना चाहिए। चाहे सस्ता दो पर नमक देना चाहिए पशुओं को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और पशुपालन से संबंधित ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।